दीपिका मेडिटेशन पावर, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज हम ये देखते हैं कि दिसंबर का जो अभी ये वीक चल रहा है, इसमें आपकी सभी जोडिक साइंस की क्या एनर्जीज चल रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहली राशि अपनी जो है एरीज से। एरिस, देखिए मेरे पास सबसे पहले मेरे पास जो आपके लिए कार्ड जो आया है वो आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ये कह रहा है कि आप जो हैं लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें हैं जो भी आपकी सही नहीं चल रही हैं इस वक्त, तो आप जो हैं वो पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आप जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को किस तरह से बैलेंस किया जाए, किस तरह से जो भी अगर कोई आपकी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो उस चीज़ को हम किस तरह से सही कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इस तरह की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और आपको बस एक यही सजेशन दिया जा रहा है, यदि आप कुछ दान वगैरह करते हैं, यदि आप कुछ दान पुण्य में विश्वास करते हैं, तो आप कृपया उनको दीजिए जो जिनको की ज़रूरत है, जो कि नीडी पर्सन है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप किसको दे रहे हैं, या फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में अगर किसकी की हेल्प कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर देखिए कि क्या उस व्यक्ति को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, या आपकी जो आप जो भी हेल्प कर रहे हैं क्या उसकी ज़रूरत उसको है। यूनिवर्स से मेरे पास सजेशन में आया है द एम्प्रेस का कार्ड अच्छा है। आप जो है चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपके साथ है। फुल अबंडेंस का कार्ड है, और बस आप इंजॉय कर रहे हैं उन चीज़ों को, अबंडेंस को। तो ये वीक आपके लिए अच्छा जाने वाला है। दूसरा हमारे पास टॉरस के लिए कार्ड आया है। टॉरस, टॉरस के लिए मेरे पास द चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट कार्ड ये कहता है कि जो है आप अपनी चीज़ों को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आप अपनी चीज़ों को मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं। और ये एक हमारे पास यिंग और यंग का भी होता है, और ये कि मेजर आर्काना का कार्ड है हमारा जो है। इसमें हम ये देखते हैं कि आप चीज़ों को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये कार्ड, और आप चीज़ों को मूव करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक जो है सोलमेट का कार्ड, ये यिंग और यंग है, और ये एक सोलमेट को दर्शाते हैं और एक ट्विन फ्लेम को भी हमारे दर्शाते हैं। तो ये जो है अगर आप पर्सनल लाइफ में चीज़ों को मूव करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। पर्सनल लाइफ के साथ साथ आप प्रोफेशनल लाइफ को भी मूव ऑन कर सकते हैं। एस ऑफ कप ये कह रहा है कि यदि आप ऐसा करते हैं, आप अपनी चीज़ों को मूव करने के लिए कोशिश करते हैं, पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं चीज़ों को मूव ऑन करने के लिए, कोई भी पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आपके पास जो है वो एस ऑफ कप का कार्ड मेरे पास आया है आपके लिए यूनिवर्सलाइजेशन। तो यूनिवर्स आपका पूरा साथ देगा, पूरा सपोर्ट देगा, और आपको जो है आपका कप जो है वो दिया जाएगा। आपकी जो भी आप जिस भी तरह का कर्मा करेंगे, आप मूव ऑन करेंगे, आप मेहनत करेंगे, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से फुल सपोर्ट दिया जाएगा। जेमिनी मेरे पास आपके लिए फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, या आप पर्सनल रिलेशनशिप के उस बारे में बात करें, तो आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई भी जो रिलेशनशिप है वो कहीं छूट ना जाए, कुछ बहुत ही ज़्यादा आप इमोशनल तरीके से सोच रहे हैं। आप उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ के बैठ गए हैं कि कहीं ये जो रिलेशनशिप है वो हाथ से निकल ना जाए, बहुत ही
ज़्यादा आप इमोशनल हो गए हैं उस चीज़ को लेके, या अगर हम प्रोफेशनल चीज़ों में बात करें तो भी आप बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में पड़ गए हैं कि कहीं ये चीज़ें मेरे हाथ से निकल ना जाएं, और आप जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आ गए हैं और आप सोच रहे हैं कि बस ये जॉब मेरे हाथ से ना निकल जाए या मेरी बिज़नेस मेरे हाथ से ना निकल जाए। लेकिन जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा हमें सोच समझ के देखना चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें उतनी ही दूर चली जाती हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सोच विचार करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद मेरे पास यूनिवर्स कह रहा है कि यदि आप अपनी चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं पकड़ेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, तो यूनिवर्स आपको ये टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दे रहा है, फुल ऑफ अबंडेंस का कार्ड दे रहा है। तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचिए मत, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को टाइटली पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, ये सब छोड़ दीजिए यूनिवर्स के ऊपर, आप अपना कर्म कीजिए, आप अपने जो एफर्ट्स हैं वो कीजिए, और बाकी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद यूनिवर्स ये कह रहा है यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिया जा रहा है। एक ब्यूटीफुल कपल्स हैं, डॉग्स हैं, डॉग्स लॉयल्टी का प्रतीक माने जाते हैं, यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो बहुत ही लॉयल है आपके प्रति, तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो जेमिनीज आपके लिए ये सजेशन था। तो उसके बाद मेरे पास कैंसर के लिए कार्ड्स आए हैं, जो मेरे पास कैंसर के लिए जो कार्ड आया वो एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, परंतु ये जो है शायद ये पहले अपनी चीज़ों से भाग रहे थे, क्योंकि मेरे पास ये अब इस वक्त में मेरे पास ये रिवर्स में आया है, तो पहले ही शायद ये अपनी चीज़ों को देख नहीं रहे थे, जो कप्स यूनिवर्स ने इनको दिए हुए थे वो इनको ये देख नहीं रहे थे, लेकिन अब जो है ये रिवर्स में आया, तो इसका मतलब ये है कि अब ये चीज़ों को देखेंगे, मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ें यूनिवर्स ने इनको दी हुई हैं तो ये उनको देखेंगे, और उनके साथ जो भी है अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अपनी स्थितियों से जो भी नेगेटिव सिचुएशन जो भी चल रही हैं उनसे भागने की वो अब जो है वो कोशिश नहीं करेंगे। उसके बाद मेरे पास ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, लेकिन ये भी मेरे पास यूनिवर्स जो है ये ऐसे यूनिवर्स के सजेशन के रूप में ये रिवर्स में आया था। तो रिवर्स में आने का मतलब ये है कि यदि आप अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को लेके किसी थर्ड पर्सन से कुछ ज़्यादा ही सोचते विचारते हैं, उनसे कुछ ज़्यादा ही एडवाइस लेते हैं, तो आप ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे एडवाइस ले रहे होते हैं वो जो है वो हमारे ट्रस्टवर्थी नहीं होते हैं। तो ये आपको देखना होगा कि जिससे आप सजेशन ले रहे हैं, जिससे आप पूछ रहे हैं, कोई एडवाइस ले रहे हैं अपने बिजनेस में, जॉब में, या फिर कोई पर्सनल लाइफ को आप शेयर कर रहे हैं, क्या वो ट्रस्टवर्थी है, क्या आपके भरोसे के लायक है कि आप उसको सब चीज़ें बताएं, ये आपको देखना होगा। लियो, मेरे पास आपके लिए किंग ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ वांड्स ये कहता है कि आप अपनी चीज़ों को मूव ऑन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, शायद आपको जॉब कोई नहीं मिल रही होगी, आप पहले सोच रहे होंगे कि जॉब मिल जाएगी, लेकिन अब जो है वो आप सोच रहे हैं कि नहीं, अब मुझे जॉब को सर्च करना है, मुझे इसको जॉब को सर्च करके जॉब को पाना है, तो आप अपनी चीज़ों को मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं। यदि कोई पर्सनल लाइफ में, कोई प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल में प्रॉब्लम चल रही थी, पर्सनल लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, आप की कोई स्टेप नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अब जो है वो आप तैयार हैं। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, क्वीन ऑफ स्वर्ड का कार्ड आया, तो क्वीन ऑफ स्वर्ड ये कहता है कि यदि आप अपनी चीज़ों को मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं, पॉजिटिव वे में लेने के लिए तैयार हैं, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए तैयार हैं,
और अपनी चीज़ों को बैलेंस तरीके से करते हुए मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं, तो आपकी जो है वो जीत निश्चित है। यूनिवर्स आपके साथ है। वर्गो, वर्गो मेरे पास आपके लिए आया है एट ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड। एट ऑफ पैंटिकल्स ये कहता है कि आप जो है अपनी चीज़ों को बनाए रखने के लिए चीज़ों को मेहनत कर रहे हैं। आप जो है काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी जॉब में मेहनत कर रहे हैं, अपने बिज़नेस में मेहनत कर रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। आप यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ सिचुएशन नेगेटिव है, तो आप उस चीज़ को सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत का फल जो है वो हमेशा मीठा होता है, चाहे वो देर से ही मिले, लेकिन हमें मेहनत करते रहना चाहिए। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, अपनी लाइफ को हमें मूव ऑन करते रहना चाहिए। कहीं पे भी स्टक यदि हम होते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें सोचना चाहिए और उसके बाद हमें मूव ऑन कर देना चाहिए। तो वर्गो, उसके बाद मेरे पास आपके लिए यूनिवर्स से सजेशन आया है कि क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यदि आपकी पर्सनल लाइफ जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे या कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो सॉल्व हो जाएगी। यूनिवर्स आपके साथ है। यदि आपकी जॉब जो है वो अच्छी नहीं चल रही थी, आपके पास पैसों की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या बिज़नेस आपका सही नहीं चल रहा था, कुछ पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो सॉल्व हो जाएगी क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत का फल आपको यूनिवर्स ज़रूर देगा और यूनिवर्स आपके सपोर्ट में रहेगा। उसके बाद मेरे पास जो कार्ड आया वो आया है लियो का। लियो, मेरे पास आपके लिए फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया। फोर ऑफ कप्स का कार्ड लेकिन मेरे पास रिवर्स में आया था, यानी कि शायद आप पहले अपनी चीज़ों को देख नहीं रहे थे कि आपको यूनिवर्स ने क्या दिया है। आपको यूनिवर्स ने जो कप्स दिए थे, जो आपके पास जॉब थी, जो आपके पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ थी या जो पर्सनल लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ थी, आप उनको देख नहीं रहे थे, लेकिन अभी ये मेरे पास इस तरह से आया है। इस तरह से आने का मतलब ये है कि आप जो है अब आप उन चीज़ों को मूव ऑन करेंगे, आप अपनी चीज़ों को देखेंगे, अपनी जॉब को देखेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ को देखेंगे, और यदि बिज़नेस आपका जो है वो पहले सही नहीं चल रहा था, यदि आप उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे, कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति थी, तो वो जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास मैजिशियन का कार्ड आया है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन मैजिशियन का कार्ड भी मेरे पास से रिवर्स में आया था। तो रिवर्स में आने का मतलब ये है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो सॉल्व तो होंगी, लेकिन वो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा स्लो जो है वो मूव ऑन करें, क्योंकि यदि अगर ये ऐसे आता तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होते, मैजिशियन की स्थिति में होते, आप कोई भी मैजिक कर सकते थे। लेकिन मेरे पास ये ऐसे रिवर्स में आया, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें थोड़ी स्लो मूव होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। आप मेहनत करते रहिए और आपको जो यूनिवर्स ने दिया है, आप उन चीज़ों को देखिए, पॉजिटिव वे में देखिए और अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाइए। जो यूनिवर्स आपको दे रहा है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद मेरे पास कार्ड जो आया है वो स्कॉर्पियो के लिए आया है। स्कॉर्पियो आपके लिए मेरे पास द मून का कार्ड आया है, लेकिन ये रिवर्स में आया था। यदि ये ऐसे स्टेट आता तो आप बहुत ही ज़्यादा, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, नेगेटिविटी है, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी, लेकिन मेरे पास अभी ये इस तरह से आया है रिवर्स में। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई परिस्थिति सही नहीं चल रही थी जॉब की, बिज़नेस की या पर्सनल लाइफ की, तो वो जो है इस वीक में सॉल्व होती नज़र आ रही हैं। आपकी उदासी जो है वो कम हो जाएगी, आपकी जो चीज़ें हैं वो मूव ऑन करेंगी, और जो है कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है आपकी लव लाइफ में, कोई जॉब में, बिज़नेस में, तो वो सॉल्व होती नज़र आ रही है। देखिए यूनिवर्स से उसके बाद मेरे पास सजेशन आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स ये कहता है कि आप मूव ऑन तो करेंगे, आप
रेडी हैं, लेकिन आप थोड़े से उदास भी नज़र आ रहे हैं, कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो मूव होंगी। सजिटेरियस, सजिटेरियस मेरे पास आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, लेकिन पेज ऑफ कप्स जो है वो इस तरह से आया है। तो पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो ये कहता है कि आपको अपनी चीज़ों को लाइफ में बैलेंस करना चाहिए, और जो भी कोई आपकी नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं जॉब में, बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में, तो आपको उन चीज़ों को देखना होगा कि आप उन चीज़ों को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो भी नेगेटिविटी वाली सिचुएशन है उसको किस तरह से आप उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये कार्ड मेरे पास ऐसे आया था, तो यदि आप पहले मैच्योरिटी के साथ सोच नहीं रहे थे, तो अब आप मैच्योरिटी के साथ सोचेंगे और चीज़ों को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद यूनिवर्स की तरफ से मेरे पास सजेशन में जो आया था, ये आया था टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड। तो टू ऑफ वॉन्ट्स ये कहता है, यदि आप जॉब, आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी कोई आ रही है, तो हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, आपकी जर्नी हो, और आपको हो सकता है कि प्लेस चेंज करना पड़े, बिजनेस हो या जॉब हो। तो ये आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको शायद जहाँ पर आप अभी जॉब करना चाहते हैं वहाँ से आपको शिफ्ट करना पड़े, क्योंकि ये ट्रैवल का कार्ड माना जाता है, जर्नी का कार्ड है, और आप, हो सकता है कि आप अपनी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जॉब हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ हो, तो आप दूर तक की सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आप चीज़ों को मूव ऑन करने के लिए अच्छे से सोचिए, विचारिए, और उसके बाद जो है अपने आप को मूव ऑन कीजिए। कैप्रिकॉन देखिए मेरे पास आपके लिए जो है वो टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप जो है लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जगलिंग चल रही है, लेकिन अभी मेरे पास ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आया था। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अभी आपकी जो लाइफ है वो थोड़ा बैलेंस में चल रही है, एनर्जीज जो है वो बैलेंस है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ जो है वो जगलिंग जो है वो थोड़ी स्टॉप हो गई है, और शायद आप अपनी लाइफ को थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से सजेशन जो आया वो आया है फोर ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड। फोर ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड जो हमारा मैरिज का कार्ड भी माना जाता है, और ये सोलमेट का कार्ड भी माना जाता है। तो हो सकता है कि कैप्रिकॉन्स आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियां आने वाली हैं, और जो लोग पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स में हैं तो उनके लिए बस जो है मैरिज हो सकती है, सेलिब्रेशंस का कार्ड है। तो तैयार हो जाइए कैप्रिकॉन्स, आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली हैं, और आप जो है अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये यूनिवर्स ये कह रहा है, और यदि जॉब के उसमें देखा जाए तो भी बहुत अच्छा माना जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, बिजनेस में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन ये जो कार्ड है ये मैरिज का कार्ड माना जाता है, तो इसीलिए पर्सनल लाइफ में जो है वो रिलेशंस अच्छे होंगे, और जो है मैरिज की पूरी पूरी संभावना है यदि कोई रिलेशनशिप्स में है तो। एक्वेरियस, एक्वेरियस मेरे पास आपके लिए थ्री ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। थ्री ऑफ वॉन्ट्स ये कह रहा है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करे जा रहे हैं, आप दूर तक की सोच रहे हैं, जॉब हो या बिजनेस हो या आपके पर्सनल लाइफ हो, तो आप चीज़ों को थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं, इस वक्त सोच रहे हैं कि क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरह से इम्प्रूव करूँ, किस तरह से मैं बैलेंस करूं चीज़ों को, किस तरह से मेंटेन करूं। तो ये मुझे आपके इसमें एनर्जी नज़र आ रही है कि आप जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यूनिवर्स आप मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सजेशन जो आया वो व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। तो यूनिवर्स ये आपको कह रहा है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
यदि आपकी जॉब में, बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में जो जो स्थितियां हैं वो सही नहीं चल रही हैं इस वक्त, कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नज़र आ रही है, कोई परेशानी नज़र आ रही है, तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी। क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि आपकी जो स्थितियां हैं वो चेंज होंगी समय के अनुसार, डिवाइन टाइम के अनुसार, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरे पास लास्ट कार्ड जो आया है वो ये पाइसिस का आया है। पाइसिस का मेरे पास थ्री ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड जो है वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। यदि आप पर्सनल लाइफ में हैं तो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर आपको आप हर्ट हुए हैं किसी भी बात को लेके पर्सनल लाइफ में, किसी व्यक्ति के द्वारा आप हर्ट महसूस कर रहे हैं, या फिर जॉब में या बिजनेस में कोई पार्टनरशिप है तो वो उसमें भी आप हर्ट हो सकते हैं। ये इस मुझे इसमें कार्ड में एनर्जी नज़र आ रही है। तो आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि आपको थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो आप जो है वो थोड़ा संभल के चलिए कि आपको कोई नुकसान ना हो। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सचेत रहिए कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, आप उस चीज़ को लेके थोड़ा अलर्ट रहिए। और अगर पर्सनल लाइफ में आपको हर्ट हुआ है तो आप देखिए कि स्थितियाँ कैसी हैं और किन सिचुएशंस में ऐसा हुआ है। लेकिन उसके बाद देखिए टेन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया, तो टेन ऑफ स्वॉर्ड ये कहता है कि जो चीज़ें हैं वो चेंज होंगी, क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड है जिसको हम डेथ का कार्ड भी बोलते हैं। तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं, तो ये अच्छी न्यूज़ है। यदि आप हर्ट हुए हैं, यदि आपको लग रहा है कि किसी ने आपको हर्ट किया है, या चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही हैं, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं चल रही हैं, नेगेटिव चल रही हैं, या आपको थर्ड पार्टी से धोखा मिला है, तो वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, आपके फेवर में होंगी, और जो है वो यूनिवर्स जो है वो आपका सपोर्ट करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारी थी जनरल रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडियाक साइंस इन दिस वीक। एंड तो मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रीडिंग है जो अच्छी लगी होगी। तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कि किस तरह से आपको मेरी रीडिंग लग रही है। और ये एक जर्नल रीडिंग है। यदि आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं इनबॉक्स में अपना लिंक दूंगी, अपनी मेल आईडी दूंगी, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एफबी पेज पे या यूट्यूब पर दीपिका मेडिटेशन पावर के नाम से। मेरा इंस्टा में भी है दीपिका मेडिटेशन पावर, आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट कीजिए दूसरों को हील करने में, और कीप स्माइल, स्टे फिट ऑलवेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू।